नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से एक अन्नदाता किस प्रकार कृषि में एक नवाचार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए एक मुहिम के रूप में जो भारत सरकार की जो एफपीओ की जो स्कीम्स है उसके तहत गठित जो कृषक उत्पादक संघ है, यहाँ छारेड़ा में हम आज आए हुए हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं यहाँ के एफपीओज के माध्यम से किस प्रकार यहाँ नवाचार किए हुए हैं। तो चलिए हम इनके बीओडीज और सीईओ से मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि इनका एफपीओ दोसा में किस प्रकार श्रेष्ठ तरह का कार्य कर रहा है। हम आए हैं छारेड़ा अन्नदाता एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसके ऑफिस में यहाँ पर हम स्थित हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सुनियोजित तरीके से इन्होंने अपने ऑफिस को सुसज्जित किया हुआ है। यहाँ इन्होंने ना सिर्फ फार्मर्स के लिए जो एक हेल्प सेंटर के रूप में सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की हुई हैं, इनका बीओडी और सीओ हमेशा सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक नियमित रूप से यहाँ पर इनके ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं और जो भी इनके फार्मर्स होते हैं उनके लिए इन्होंने सामने नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर ये समय समय पर इनके एफपीओज के माध्यम से जो किसानों को दिए जाने वाली जो स्कीम्स हैं उनके बारे में यहाँ पर सूचनाएं चस्पा करते रहते हैं। इसके अलावा इन्होंने पूरी प्रॉपर तरीके से डेकोरेट किया है अपने ऑफिस को और विभिन्न प्रकार की जो एफपीओ की स्कीम्स हैं यहाँ इनपुट के अलग अलग तरह के जो आदान है वो यहाँ पर उपस्थित जो यहाँ के सीओज हैं उनके माध्यम से हम जानेंगे कि किसानों को उचित मूल्य के ऊपर और सही एक गुणवत्तापूर्ण जो बीज है जो उनको उपज के लिए यहाँ पर उपलब्ध किए जाते हैं। इन्होंने कैश काउंटर अलग से बनाया हुआ है और साथ में पूरा किसानों के लिए एक हेल्प जो सेंटर होता है, जिस तरह से हम किसान सेवा केंद्र जो स्थापित किए जाते हैं सरकार के माध्यम से, उसी तरह का एक मॉडल इन लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया है। तो हम स्वागत करते हैं सर हमारे इस कार्यक्रम में और हम पहले आपके परिचय से आरंभ करना चाहेंगे सर। माई सेल्फ नेम वीरभद्र शर्मा, एज ए सीओ पोस्ट पर कार्यरत हूँ, यहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये जो हमारा एफपीओ है छारेड़ा अन्नदाता एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इसका रजिस्ट्रेशन गत वर्ष 23 को रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रियाएं थी, कागजी प्रक्रियाएं थी, गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से जो भी हमारे मतलब कागज़ तैयार करने थे वो किए हमने। उसके तुरंत बाद हमारे सामने रबी की फसल का सीजन था, उस टाइम पे फिर हमने किसानों के लिए गेहूं, जौ, चना, सरसों इत्यादि की जो फसलें हैं मुख्य रूप से सौंफ, और सब्जियों में अपन लें तो अपने मिर्ची, टमाटर और तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि के जो भी किसानों को जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उन सब चीज़ों को हमने किसानों को अवेलेबल करवाया। और आज हम देखें तो अभी सीजन चल रहा है खरीफ का, तो हम बाजरा, मूंगफली और तिल, ग्वार इत्यादि के सभी के बीज और जो बीज उपचार के लिए जो दवाइयां हैं, जैसे कि हम बात करें फंजीसाइड या फिर जो कीटनाशक हैं, वो सब चीज़ें हम किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। अब हम सर ने बात की कि कितना क्या मतलब रेट में है, कितना छूट है, तो हम जो भी कंपनियों से डील कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपनियों से डील कर रहे हैं, हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर किसी डीलर से हम डील नहीं कर रहे हैं। जो भी कंपनियों से हम माल ले रहे हैं डायरेक्ट ले रहे हैं और जो हमें कंपनियों जो हमें बिलिंग कर रही है उसी रेट में हम किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे आसपास में देखे आप जो खाद बीज दवाइयों की दुकानें हैं वो अपना जो भी कमीशन होता है 10% 20% वो रखते हैं, उसके बाद में किसानों को देते हैं। बट हम ऐसा कुछ नहीं, जो हमें रेट आगे से मिल रहा है उसी रेट में हम किसानों को उपलब्ध। बहुत अच्छा लगा वीरभद्र जी जिस प्रकार आपने बताया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो एफपीओ में कुल कितने मतलब कि सदस्य जुड़े हुए हैं और बेसिकली आप जो अपने एफपीओज में क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं
जो अपने फार्मर्स के लिए यहाँ पर आप अवेलेबल करते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जो भारत सरकार का मकसद था कि मध्यस्थ चुक को खत्म करके और सीधा फार्मर को एक लाभ पहुंचाया जाए, उस मकसद के लिए आपका जो FPO है यहाँ पर काम कर रहा है, और हमें अच्छा लगा आपके यहाँ पर विजिट करके। और ये सुसज्जित तरीके से आपने जो अपने इस कार्यालय को सेटअप किया है और किसानों के लिए एक तरीके से ना सिर्फ परामर्श का काम आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उन्हें उचित कीमत के ऊपर और सही गुणवत्ता के जो खाद बीज और कीटनाशक की जो उपलब्धता है उसके आधार पर आप उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि सर आपके FPOs में कितने मेंबर हैं, आपका भविष्य का क्या प्लान है, क्या बिजनेस प्लान लेकर आप अपने FPO को लेकर चल रहे हैं, और आने वाले 3 से 5 सालों में आप अपने FPO को कहाँ देख रहे हैं? जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा कि आज टिल डेट हमारे 384 मतलब 450 मेंबर हमारे बन चुके हैं देन 1 ईयर, और संभावना है अगले सीजन तक 1000 से 1500 मेंबर बन जाएंगे हमारे, क्योंकि इस क्षेत्र के जो किसान हैं वो बड़े ही जागरूक किसान हैं, और जो भी सरकार की तरफ से जो भी एफर्ट्स लगाए जाते हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जैसे कि कुछ भी सरकार की तरफ से मीटिंग आयोजित की जाती है, उसमें सभी फार्मर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, जो भी किसान की जो भी गाइडलाइन रहती है उनको सबको अपने हिसाब से निपुण तरीके से उनको निभाते हैं। तो अब हम इन फ्यूचर जो हमारे FPO की प्लानिंग है वो ये है कि अभी तक हम जो हमने 1 ईयर के अंदर जो काम किया है केवल इनपुट का काम किया है, अभी तक हमने जो भी किसानों को जो चीज़ें चाहिए थी जैसे बीज है, दवाइयां हैं, खाद है, कुछ हद तक अपने कुछ मशीनरी हैं छोटी, जो अपने स्प्रे मशीन देख लें, टॉर्च वगैरह देख लें, या फिर जो भी इम्प्लीमेंट्स वगैरह छोटे हैं, वो सब चीज़ें हमने किसानों को उपलब्ध करवाई है। अब हमारा मेन फोकस है आउटपुट पे कि जो किसान प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उनको हम किसानों को अच्छी रेट में कहाँ पे उनका माल हम बेच सकते हैं। तो जैसे कि हमारे इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सौंफ बड़े लार्ज स्केल पे बोई जाती है, और इस टाइम पे मूंगफली है, बाजरा है, तिल है, इत्यादि की फसलें बड़े लार्ज लेवल पे बोई जाती है। तो हम आगे बात कर रहे हैं इसमें हमें जो हमारा CBPO है, शक्तिवर्धक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इसार हरियाणा, वो भी हमारा सपोर्ट कर रहा है। दूसरा हमारा जो SFSE है, मिनिस्ट्री की तरफ से भी हमें कुछ सपोर्ट मिल रहा है इसमें। तो हम अभी सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा सब लाइसेंस वगैरह, अपेडा का लाइसेंस, फसई का लाइसेंस, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम अब कुछ प्रोसेसिंग यूनिट की प्लानिंग है हमारी, जैसे फ्लोर मिल, ऑयल मिल और मसाले वगैरह, इन सबको हम तैयार करेंगे और अच्छी जगह हम डील करेंगे, ताकि किसानों की जो भी फसलें हैं उनको सही रेट, उचित दाम मिल सके। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को आप तक पहुंचाने का काम किया। सर हम आपके यहाँ देख रहे हैं कि आपने एक ONDC की ट्रेनिंग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर NABARD ने 2 दिवसीय आयोजित की थी, और आपके यहाँ से 2 या 3 बोर्ड मेंबर्स ने और आपने यहाँ वहाँ पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया था, और सामने हमने तीनों लोगों के ये सर्टिफिकेट भी हम आप लोगों के देख पा रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग थी वो आपके लिए किस प्रकार उपयोगी साबित हुई, और अभी जो हमारी टीम आपके पास यहाँ पर आई है उसका मकसद भी है कि आपके प्रोडक्ट को कैटलॉगिंग करना, आपका लोगो क्रिएट करके भी हमारी टीम ने आप लोगों को दिया है, और किस प्रकार ONDC के प्लेटफॉर्म पे भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कम्प्लीटली की जा रही है और ऑलमोस्ट उसको पूरा कर दिया गया है, और प्रोडक्ट को कैटलॉग करके और अपलोड करने का काम किया जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि NABARD के द्वारा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, ONDC प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपके प्रोडक्ट को लाने के लिए जो पहल की गई वो किस प्रकार की है, और उस ट्रेनिंग से आपको क्या लाभ हो पाया? सर बहुत अच्छी बात है जो आपने कहा कि एक्चुअली हम जब आपने ट्रेनिंग करवाई फरवरी माह में करवाई शायद, राइट? यस सर जी। उससे पहले हमारे कुछ यहाँ पे महिलाएं थी और जो किसान थे, जो कि अभी हमारे यहाँ पे किसान हैं वो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, तो और भी काफ़ी सारी महिलाएं जो बहुत से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तैयार करती है, बनाती है,
लेकिन मेन समस्या ये रहती है उनके सामने कि उसका मतलब सही उनको मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि वहां से वो अपने उत्पाद की वैल्यू ले सके। और आपने जो ट्रेनिंग करवाई उसके बाद में हमने उन्हें उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको सही तरीके से कैसे उनकी पैकेजिंग करनी है, कैसे उनको अपने अच्छी ब्रांडिंग देनी है, कैसे उनको अपने सोशल मीडिया पे कैसे उन प्रोडक्टों के बारे में जो जो भी उनका विवरण देना है, मतलब एक अट्रैक्टिव कैसे चीज बनानी है, ये सब चीजें आपकी ट्रेनिंग में हमें पता लगा। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से ही हमने आज तकरीबन 20 से 22 प्रोडक्ट हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जागरूक महिलाओं ने प्रोडक्ट तैयार किए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, जो आपको टेस्ट भी करवाएंगे कि बहुत अच्छा टेस्ट भी है उनका। और अब जैसे कि आपने ट्रेनिंग करवाई नाबार्ड की तरफ से, उसमें हमें सोशल मीडिया की तरफ से जो भी फ्लिपकार्ट है, मीशो है, बिजनेस व्हाट्सअप है, ये सब चीज़ें आपने हमें करके दी, तैयार करके दी। और हम यही है अब जो हमारे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनको इन सब चीज़ों पे हम अपलोड करेंगे और क्या नाम से हम एक अच्छा सेलर के रूप में अच्छी सेल निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा हमें आपके इस नवाचार को देखते हुए। और अब हम आपके प्रोडक्ट को कैटलॉगिंग करने के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ मीडिया की टीम आज आई हुई है। मैं गोकुल चंद सैनी अपनी पूरी मीडिया की टीम के साथ और एडोन नेक्सन की जो टीम है उसके साथ हम आपके यहाँ पर इस एफपीओ प्रांगण में आए हुए हैं। और हम आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट आपके हैं और उन प्रोडक्ट को हम रील्स बना के और इन सब को अपलोड करने का काम करेंगे। जी तो सर, सर हम आपको ये आग्रह करते हैं कि उन प्रोडक्ट को आप शोकेस करें। ठीक है सर। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने देखा आपने काफी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ एफपीओ के आपने रखे हुए हैं, तो मैं ये चीज जानना चाह रहा था आपसे कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और आप इसको किस तरीके से आगे प्रमोट करना चाह रहे हैं। हाल ही में आपने एक ONDC की ट्रेनिंग भी ली जो नाबार्ड के द्वारा कराई गई थी, उसमें युवा जागृति संस्थान और एडोन की टीम ने आप लोगों को 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी और आज आपके यहाँ पर उनकी मीडिया की टीम पूरी आई हुई है और यहाँ फोटोग्राफी, आपकी कैटलॉगिंग और रील्स वगैरह वो सब चीजें शूट की जा रही हैं। तो मैं मुझे खुशी है ये चीजें देखकर कि आपका जो एफपीओ है बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और विशेषकर किसानों को उन्नति के ओर बढ़ाने के मार्ग के ऊपर वो ले जाने का काम कर रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और किस प्रकार आप इनको मार्केट लिंकेज कराना चाह रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो जैसे कि जो मेजर जो फसलें होती है, जैसे कि अपन ग्रेन वाली फसलों में देखें तो अपने मूंगफली है, तो कुछ प्रोडक्ट हमारे मूंगफली से बने हुए हैं। और हम देखें कि जैसे कि फ्रूट्स में है तो हमारे यहाँ पे आंवला है और आम है, तो आंवले का सर बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे फील्ड है, उत्पादन है, और आंवले की आगे डिमांड भी बहुत अच्छी है। जैसे कि आंवले से बनने वाले उत्पाद आंवला पाचक हो गई, आंवला मुरब्बा हो गया, आंवला कैंडी हो गई, आंवला चूर्ण हो गया और सूखा आंवला हो गया। वैसे सर हम देखें तो आंवले की 2-4 रुपये 5 रुपये किलो कीमत रहती है, और उसको ही थोड़ा सा यदि प्रोसेस करके हम तैयार करते हैं तो उसी आंवले की कीमत 100 से 150 200 रुपये के जी तक निकल जाती है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो हमारे एफपीओ की एक ग्रुप बना हुआ है, FIG ग्रुप कहते हैं हम उसको, और ग्रुप का नाम है बोहरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ग्रुप। तो उसमें तकरीबन 15 से 20 महिलाएं जुड़ी हुई है ग्रुप में, हमारा एफपीओ का ही है और सारी महिलाएं एफपीओ से भी जुड़ी हुई है। तो उन्हीं महिलाओं ने ये प्रोडक्ट पहले भी वो तैयार करती थी और तैयार कर रही है अभी भी। पैकेजिंग का है वो जो आपने हमें ONDC की ट्रेनिंग दी, वो आपने वहाँ पे दिखाए, हमें प्रोडक्ट दिखाए, पैकेजिंग का आइडिया फिर हमने उन्हें बताया, उनको मटेरियल जो है हमने अवेलेबल करवाया उनको, पैकेजिंग के जैसे जार वगैरह हैं, पैकेजिंग के जो भी सामग्री है वो हमें हमने उनको उपलब्ध करवाई और उन्होंने अच्छे से इनको तैयार करके दिया हुआ है। हम आपको टेस्ट भी करवाएंगे, खिलाएंगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि सर जैसे कि हम पहले देखें, ये है अपने आमला पाचक, ये सर अपने ये सब जस्ट पास में रख लो जी, मतलब ऐसे सामने रहे, ये है अपने आमला पाचक,
ये तैयार कैसे करते हैं सर? जो आंवला होता है, आंवले को सबसे पहले बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद में जो उसका बीज होता है, गुटक होती है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर इसकी कलियां होती है उनको छांव में सुखा देते हैं, और उसमें जब हल्की मॉइस्चर कम हो जाती है उसके बाद में जो भी इसमें मसाले जो वगैरह जो डलते हैं, जैसे कि काला नमक हो गया, सौंफ हो गया और काली मिर्च वगैरह हो गई, ये वगैरह मसाला वगैरह तैयार करके बिल्कुल नेचुरल तरीके से 100% प्योर नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट डाइजेशन के लिए, गैस के लिए और जितनी भी पेट संबंधी जो भी विकार है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरा प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊं आपको सर, ये आम अमचूर। यहाँ पे सर हमारे देसी जो वैरायटीज के जो आम है, देसी जो कैरिया बोलते हैं, अभी जैसे चलने वाले हैं अभी दशहरी वगैरह जो आम है वो चल रहे हैं, बाकी हमारे यहाँ पे देसी पेड़ बहुत ज़्यादा है जो काफ़ी बड़े होते हैं और कैरिया छोटी साइज की लगती है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे है, तो उनको क्या करते हैं यहाँ पे किसान की कैरियों को तोड़ के उनकी मतलब खड़ी कटिंग करके बीज निकाल के और फिर उसका सूखा अमचूर तैयार किया जाता है। मार्केट में इसकी सर 100 से 125 रुपए केजी पर रेट है। फिर तीसरी चीज मैं बताऊं सर, हमारे यहाँ पे सौंफ होती है, बहुत अच्छी सौंफ होती है, सौंफ से तकरीबन 10 से 12 वेराइटीज हमने तैयार की है ये महिलाओं ने, जो माउथ फ्रेशनर के लिए काम आती है, मतलब खाना खाने के बाद आप खा सकते हो माउथ फ्रेशनर के पाचन के लिए, और ये सौंफ बिल्कुल नेचुरल है, पेट में ठंड भी करती है, इसकी सौंफ की तासीर हमेशा ठंडी रहती है, तो जिससे किसी व्यक्ति के मान लो पेट में गर्मी है या फिर गर्मी की वजह से वो परेशान रहता है, तो रोज़ खाना खाने के बाद में 2 से 3 चम्मच सौंफ खाए तो बहुत सेहत के लिए बहुत लाभदायक रहता है। और फिर मैं बात करना चाहूँगा सर, ये है अपने आंवला मुरब्बा, बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक। सर इसमें क्या होता है कि आंवला जो बिल्कुल पका हुआ जो आंवला होता है, मतलब लास्ट स्टेज में जो अपने फरवरी एंड वीक या मार्च फर्स्ट वीक में जो आंवले के पौधे पे जो आंवले लगे होते हैं वो आंवले इसमें कलेक्ट किए जाते हैं। आंवले को मतलब हल्का सा पहले आंवले के अंदर किसी भी मतलब अपने पिन वगैरह से हल्के से मतलब छेद करते हैं, उसके बाद में उसको फिटकरे के पानी में तकरीबन 6 घंटे तक इसको रखते हैं ताकि उसकी जो भी मतलब उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो सब नष्ट हो जाए, साफ़ हो जाए। उसके बाद में सर चाशनी तैयार की जाती है और चाशनी के अंदर आंवले को डाल दिया जाता है, ये मतलब 10 से 15 दिन के अंदर आपका आंवला मुरब्बा तैयार हो जाता है, ये आंवला मुरब्बा है सर। फिर सर आता है हमारे ये है सीड्स, मतलब ये एक सुबह का नाश्ता है। आप देखते होंगे सर कि अभी लोगों का क्या है कि सुबह उठते ही लोग बाग चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद में कुछ खाते नहीं है, 10 से 11 बजे तक कुछ नहीं खाते पीते और फिर बाद में 12 बजे तक खाना खाते हैं, तो किसानों के मतलब सुबह तक 10 11 बजे तक वो चाय पे चाय चाय पे चाय चाय पे चाय पीते रहते हैं। तो हमारी जो टीम है उसने एक मतलब आयुर्वेदिक कंसर्न पर्सन से इन सब चीज़ों के बारे में विचार किए, उनसे बातें की, तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे एपीओज को बता के उन्होंने एक ये हमें सजेशन दी कि आप इस तरह का एक प्रोडक्ट तैयार कीजिए, वो सुबह नाश्ते के लिए काम में ले सकते हैं। तो इसमें सर हमने 6 तरीके के बीज लिए हैं जो हमारे यहाँ पे उत्पादन होता है। इसमें होता है पम्पकिन सीड, कद्दू का बीज है, तरबूज का बीज है और सनफ्लावर सीड है, अलसी है और सर इसमें अपने लौकी का है, और उसका सर थोड़ा सा स्वाद हमने बढ़ाने के लिए इसमें काजू बादाम और काली किशमिश और पिस्ता डाला हुआ है ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो आसानी से इसको बच्चे बूढ़े महिलाएं सब खा सकें। तो उसके लिए हमने सर ये सुबह का नाश्ता किया है, इसमें प्रोटीन ज़बरदस्त है और भी काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और क्या नाम से विटामिन वगैरह सभी चीज़ उपलब्ध होती है, मतलब ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और सुबह बच्चों को यदि खिलाएं हम तो बच्चों के दिमागी रूप से भी बहुत अच्छा क्रिएट करेगा। आप देख सकते हैं गूगल पे इसे मिल जाएगा और बहुत बढ़िया चीज़ है। एक हम देखते हैं सर ये मूंगफली है, प्योर मूंगफली। इसमें सर
मूंगफली का जो भी है, अभी सब्जियां वगैरह डलती है उसमें मूंगफली काम में आती है, ग्रेवी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमारे मूंगफली को छील के और मूंगफली तैयार की जाती है, मूंगफली का दाना है ये सर। आमले है, आमले का अचार है। और सर एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में यहाँ पे गुलाब की वैरायटी है, क्या नाम से, रेड रोज, उसकी पत्तियां आप यदि कच्ची पत्तियों को खाओगे तो बहुत मीठी स्वादिष्ट लगेगी, जैसे कि शहद लगा हुआ हो। और उसी वैरायटी का हमने ये गुलाब की पत्ती तैयार की है, जो ड्राई गुलाब हमने प्रोडक्ट करके लिया है, ये आप गुलकंद में और जो आपके पेय पदार्थ में उसमें आपको इसको यूज कर सकते हो, और बहुत अच्छी डिमांड भी है इसकी। मार्केट में 800 रुपये केजी है, मार्केट में आपकी रेट पूछोगे 800 रुपये केजी इसका रेट है। और महिलाओं ने इसको तैयार किया है, मतलब गुलाब के फूल को कलेक्ट करके उन्हें छाँव में सुखा के और फिर उसको थोड़ा हल्का सा साफ करके और रख दिया जाता है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं इससे। बिल्कुल सर, मैं शॉर्ट में और भी जो आपके प्रोडक्ट है उनके नाम और सिर्फ डिस्कशन में। और सर ये है अपने अजवाइन है, अजवाइन से तैयार किया हुआ है, इसमें कुछ अजवाइन पाचक है इसको, जो अपने खाने के बाद में इसको खा सकते हैं, जो अपने पेट संबंधी जो भी गैस वगैरह है उसके लिए रिलीफ मिलता है। ये अपने सर सौंफ है, सौंफ के ऊपर सर सौंफ इसमें चाशनी चढ़ा के, मतलब रोस्टेड सौंफ तैयार की हुई है, कोई नेचुरल सौंफ नहीं खा सके तो उसको हम थोड़ा सा हल्का सा चाशनी का फ्लेवर चढ़ा के खाने के बाद में माउथ रेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। ये सर अपने आम का अचार है, ये सर अमचूर पाउडर है जो अपने सब्जी वगैरह ग्रेवी वगैरह में डाल सकते हैं, और उसके बाद में डाल सकते हैं हम ये नींबू का अचार है, नींबू एक सर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, पीपल वटी है सर, ये पीपल वटी है, इसको थोड़ा सा बहुत जैसे कि किसी के जोर रहती है, बुखार रहता है हल्का और क्या नाम से शरीर में सुस्ती रहती है तो उसके लिए खा सकते हैं। ये महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और बहुत अच्छी डिमांड भी है इसकी मार्केट में। एक ये सर आपको बताया मैंने अलसी के बारे में, रोस्टेड ये अलसी है, अलसी सीड आता है, इसको हल्का सा भुनते हैं ऑयल के अंदर और उस पर फिर नमक वगैरह लगा के इसको थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए खा सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी कड़वी होती है। ओके हाँ, लेकिन ये सर खाने में, मतलब जिनके घुटनों में जोड़ों में जो दर्द रहता है, पेट संबंधी जो भी दिक्कत रहती है उसके लिए खा सकते हैं। ये अलसी है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो ये आपने देखा कि छारेड़ा अन्नदाता एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के जो CEO हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार उनके FPO के माध्यम से अलग अलग ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। और ये जो ONDC की जो ट्रेनिंग इनको की गई, कराई गई थी नाबार्ड के माध्यम से, और साथ में जो इनके कैटलॉगिंग का जो काम किया जा रहा है उनमें निश्चित रूप से इन्हें एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर वैश्विक पहचान दिलाने में मदद हो पाएगी। तो हम आपको ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि किस प्रकार इन्होंने प्रयास करके और किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। धन्यवाद।